हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर हमारे आर्किटेक्चर चैनल ग्रीस आर्किटेक्चर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 25 फिट बाई 50 फिट प्लॉट साइज प्लानिंग के बारे में। दोस्तों, इसकी जो रिक्वायरमेंट थी हमें चंडीगढ़ से आई हुई थी। पंकज जी की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमने इसको प्लान किया हुआ है और चंडीगढ़ के नॉर्म्स और रूल्स को फॉलो किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरफ हमारा रोड है और इस प्लॉट के थ्री अदर साइड अदर लोगों की प्रॉपर्टी है। फ्रंट पर हमने 5 फीट वाइड फ्रंट सेटबैक छोड़ा हुआ है। यहाँ से आप घर के अंदर एंट्री करते हैं। ये आपके लिए कार पोर्च दिया हुआ है 10 फीट बाई 19 फीट का। यहाँ से हमारा स्टेयरकेस फर्स्ट फ्लोर के लिए अप करेगा। यहाँ से आप घर के अंदर एंट्री करेंगे और यहाँ से एक एंट्री दी हुई है, आप सीधा बेडरूम में कर सकते हैं। ये जो बेडरूम रहेगा हमारा 12 फिट 9 इंच बाई 13 फिट 3 इंच रहेगा। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए फ्रंट पर हमने ये विंडो दिया हुआ है। इस वॉल पर हमने टीवी यूनिट दिया है और इस वॉल पर हमारा बाथरूम रहेगा। यहाँ से आप घर के अंदर एंट्री करेंगे कार पार्किंग वाले एरिया से, ये हमारा लिविंग हॉल मिलेगा 23 फिट 6 इंच बाई 11 फिट 6 इंच का। इस तरफ हमारा ड्राइंग एरिया रहेगा और इस तरफ हमारा डाइनिंग एरिया रहेगा। और इस कॉर्नर में आपके लिए पूजा स्पेस दिया हुआ है। यहाँ टीवी यूनिट दिया हुआ है। ड्राइंग रूम से अटैच ये हमने टॉयलेट दिया हुआ है। गेस्ट के लिए कॉमन टॉयलेट रहेगा 4 फिट 9 इंच बाई 7 फिट का। फिर यहाँ से आप जाएंगे हॉल से किचन में, ये हमारा किचन रहेगा 7 फिट बाई 13 फिट 4.5 इंच का। इस तरफ हमारा गैस स्टोव रहेगा, इस तरफ हमारा सिंक रहेगा और इस स्पेस में हमारा फ्रिज रहेगा। फ्रिज के लिए रहेगा ये हमारा स्पेस। यहाँ से आप बेडरूम में एंट्री करते हैं, 11 फिट बाई 13 फिट 4.5 इंच का ये हमारा बेडरूम रहेगा। ये हमारा बेड है और इस तरफ हमने टीवी यूनिट दिया है। वेंटिलेशन के लिए ये विंडो दिया है क्योंकि पीछे भी हमने 5 फिट वाइड ओपन रियर यार्ड छोड़ा हुआ है। ओपन रियर यार्ड में जाने के लिए ये हमने गेट दिया हुआ है। इस वाले बेडरूम से अटैच ये हमने ड्रेस दिया हुआ है 4 फिट 9 इंच बाई 3 फिट 7 इंच का। ड्रेस से होते हुए आप टॉयलेट में जाएंगे, ये हमारा टॉयलेट रहेगा 4 फिट 9 इंच बाई 7 फिट का। टॉयलेट का वेंटिलेशन इस ओपन रियर यार्ड में होता रहेगा। गर्मियों में आप इस वाले बेडरूम के लिए यहाँ कूलर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इसको प्लान किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए प्लानिंग अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।